वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारे न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज मैं बीए सेकंड ईयर वालों के लिए सोशियोलॉजी का 2023 का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो कि यहां पर आपका क्वेश्चन पेपर है इंडियन सोसाइटी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। यहाँ पर आपका पेपर कोड है A233। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में आपके खंड ए में लघुतर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि परार्थवादी आत्महत्या से आप क्या समझते हैं। परार्थवादी आत्महत्या अहमवादी आत्महत्या का उल्टा है। इसमें व्यक्ति समूह के अत्यधिक एकीकरण के कारण अपना कोई अस्तित्व नहीं समझता है और वह पूर्णतः समूह द्वारा शासित और नियंत्रित होता है। वह सामूहिक मान्यताओं के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए भी तैयार हो जाता है, जैसे कि भारत की सती प्रथा थी और जापान की हाराकिरी प्रथा, ऐसी ही आत्महत्या के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अपराध की एक परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा लैंडिस एवं लैंडिस के अनुसार अपराध की एक परिभाषा है। वह परिभाषा है कि अपराध वह कार्य है जिसको राज्य ने समूह के कल्याण के लिए हानिकारक माना है और जिसके प्रति दंड देने की शक्ति राज्य के पास रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्धनता के 2 प्रमुख कारण लिखिए। तो निर्धनता के 2 प्रमुख कारण है, पहला है बाह्य आडंबर और शान शौकत, दूसरा है दूषित शिक्षा प्रणाली। बाह्य आडंबर और शान शौकत के अंतर्गत जब किसी परिवार के सदस्य शान शौकत फैशन तथा बाह्य आडंबरों से ग्रस्त हो जाते हैं, तब उनके खर्च करने की योजना अव्यवस्थित हो जाती है। वे अनावश्यक वस्तुओं पर बेफिजूल खर्चा कर देते हैं, तो इस प्रकार से यह भी निर्धनता की एक स्थिति हो जाती है। दूसरा है दूषित शिक्षा प्रणाली। दूषित शिक्षा प्रणाली भी जो है निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक और पुस्तकीय है, इससे छात्रों में व्यवहारिक जीवन में प्रवेश करने की क्षमता का विकास नहीं होता है। व्यवहारिक शिक्षा पर अभी तक बल नहीं दिया गया है। बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करने के पश्चात भी विद्यार्थी जो है बेरोजगार भटकते रहते हैं, ये बेरोजगारी भी निर्धनता में वृद्धि करती है। इस प्रकार से 2 कारण हो जाते हैं निर्धनता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के 2 संवैधानिक प्रावधान लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और भाग 4 के अंतर्गत राज्यों को नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लोगों के उत्थान हेतु विशेष उपाय करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 16 और 4 में राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वह सरकारी सेवाओं तथा पदों में ऐसे किसी भी पिछड़े वर्गों के लिए जिन्हें इनमें पर्याप्त आरक्षण नहीं मिला, आरक्षण की व्यवस्था कर सकें। तो ये 2 संवैधानिक प्रावधान हैं अन्य पिछड़ा वर्गों के। नेक्स्ट यहाँ पर श्वेत वसन अपराध के 2 प्रमुख कारण लिखिए। तो श्वेत वसन अपराध के 2 प्रमुख कारण है, पहला है संपत्ति का अत्यधिक लोभ और दूसरा है यथाकथित उच्च प्रतिष्ठा की आकांक्षा। नेक्स्ट यहाँ पर अल्पसंख्यकों की 4 प्रमुख समस्या लिखिए। अल्पसंख्यकों की 4 प्रमुख समस्याएं हैं, पहली है अल्पसंख्यकों में भय की समस्या है, दूसरा है अस्मिता बनाए रखने की समस्या, तीसरी है राजनीति से संबंधित समस्याएं, चौथी है असुरक्षा की भावना। तो ये 4 समस्याएं हैं अल्पसंख्यकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अंतरापीढ़ी संघर्ष से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अंतरापीढ़ी शब्द का प्रयोग जो है एक ही पीढ़ी के सदस्यों के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अंतरापीढ़ी से अभिप्राय एक ही पीढ़ी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में अपराध के लिए उत्तरदायी 4 कारण लिखिए। तो भारत में अपराध के लिए उत्तरदायी 4 कारण हैं, पहला है निर्धनता, दूसरा है सामाजिक विघटन, तीसरा है परिश्रम न करने की इच्छा और चौथा है अत्यधिक धन की चाह। तो ये 4 कारण हैं भारत में अपराध के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आतंकवाद से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है आतंकवाद आधुनिक विश्व की एक गंभीर समस्या है। आतंकवाद का साधारण अर्थ है हिंसा या बल के माध्यम से किसी समूह या क्षेत्र को भयभीत करने की प्रवृत्ति। यह संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आतंकवाद कुछ व्यक्तियों के एक समूह द्वारा नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति के विरुद्ध किया गया आपराधिक कार्य है, इसे ही आतंकवाद कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर किशोर न्याय अधिनियम 1986 से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अनुसार
16 वर्ष की आयु से कम के लड़के वे 18 वर्ष की आयु से कम की लड़की द्वारा किए गए कानून विरोधी कार्यों को बाल अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस अधिनियम के द्वारा बाल अपराधियों को वयस्क अपराधियों के साथ जेल में रखने पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके खंड बे से देम इसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूछा गया था लैंगिक असमानता पर एक निबंध लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अल्पसंख्यकों से आप क्या समझते हैं, इनकी समस्याओं की विवेचना कीजिए। यहाँ पर सेक्शन सी आ जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है 21 सूत्रीय दलित एजेंडा अथवा भोपाल घोषणा पत्र क्या है, विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन जो अथवा पूछे जाते हैं इनमें से आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है घरेलू हिंसा पर एक निबंध लिखिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 भारत में मूल्यों के संकट हेतु उत्तरदायी कारणों को लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है वृद्धों की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर भारत में पारिस्थितिकीय अवक्रमण पर एक विस्तृत लेख लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है अपराध के समाजशास्त्रीय सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आप इनके आधार पर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है आपके प्रीवियस ईयर से रिपीट होकर भी क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो आपको सभी क्वेश्चन का रिवीजन जरूर करके जाना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।